नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। पिछले कुछ वीडियो से हम ग्रैब के बारे में सीख रहे हैं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम वाइल्ड कार्ड के बारे में सीखेंगे। तो जस्ट इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा वाइल्ड कार्ड। लेकिन इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया था और आपको बोला था कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो ही आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो शायद आपको आगे समझने में थोड़ी मुश्किल हो। तो आइए हम वाइल्ड कार्ड के बारे में सीखते हैं। अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो भी चीज़ सर्च किया वो लगभग फिक्स थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे राइट इंडेंट टैब सर्च करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और राइट इंडेंट टैब का एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। सेम, अगर मुझे टैब कैरेक्टर सर्च करना है तो मैं यहाँ सर्च करूँगा। कोई सिंबल सर्च करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ें फिक्स हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड में चीज़ें फिक्स नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई नंबर सर्च करना है तो मैं एनी डिजिट पर क्लिक करूँगा और ये एनी डिजिट सर्च करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट, ये 1 को भी सर्च कर रहा है, 2 को भी, 3 को, और जितने भी डिजिट हैं ये उन सबको सर्च करेगा। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड में वो है लेटर। तो एनी लेटर, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, वो सबको सर्च कर सकता है। उसके बाद जो तीसरा है हमारे पास वो है एनी कैरेक्टर। एनी कैरेक्टर में एंटर को छोड़ के या एक दो सिंबल और हैं उनको छोड़कर ये हर चीज़ को सर्च कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो ये एनी कैरेक्टर में इसको भी सर्च करेगा, इसे भी करेगा और सब कुछ, लेकिन एंटर को छोड़ दे रहा है। ठीक, उसके बाद एनी वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में हमारे पास वैरायटी ऑफ वाइट स्पेस हैं, जैसे कि कई सारे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, एम स्पेस, एन स्पेस, हेयर स्पेस, थिन स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, प्लस ये टैब कैरेक्टर, ये भी एक वाइट स्पेस ही है, और ये जो एंटर है ये भी एक वाइट स्पेस है। तो अगर हम एनी वाइट स्पेस क्लिक करेंगे तो ये एनी टाइप ऑफ वाइट स्पेस सर्च करेगा। ये टैब को सर्च कर रहा है, सिंपल स्पेस को और एंटर को भी। ठीक, तो वाइट स्पेस क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एनी वर्ड कैरेक्टर। तो इसमें ये नंबर को भी सर्च करेगा, टेक्स्ट को भी। ठीक, नंबर, टेक्स्ट, चाहे वो अपर केस में हो चाहे लोअर केस में। इसके बाद जो है वो है एनी अपर केस लेटर और एनी लोअर केस लेटर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, ये तो आप समझ गए होंगे। ये अपर केस लेटर को सर्च कर रहा है, और अगर हम एल प्रेस कर देंगे यहाँ पर तो वो एनी लोअर केस। ठीक, तो ये कुछ एक्सप्रेशन थे। अब इनका यूज़ हम एक एग्ज़ाम्पल में करने वाले हैं जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो मान लीजिए जो हमारे पास ये टेक्स्ट है इसमें मैं इस सब हेडिंग को थोड़ा सा अंदर करना चाहता हूँ एक टैब लगाकर। ठीक, तो जितनी भी सब हेडिंग है, यानी कि 3.2 या यहाँ पर 6.1 है, 7.1, ये सब एक टैब लगाकर अंदर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक डिजिट है, उसके बाद एक डॉट है, फिर एक डिजिट है, फिर एक टैब है और एक अपर केस लेटर है। तो सबसे पहले वाइल्ड कार्ड में एनी डिजिट,
उसके बाद एक डॉट, लेकिन ये डॉट जो है वो है एनी कैरेक्टर के लिए। तो अगर हमें डॉट ही सर्च करना है तो इसके लिए हम एक बैक स्लैश लगा देंगे इस डॉट के पहले। तो अभी हमारे पास है एनी डिजिट, उसके बाद एक डॉट, उसके बाद फिर से एक एनी डिजिट, उसके बाद एक टैब कैरेक्टर, और उसके बाद एक अपर केस लेटर। अब इसे सर्च करके देखते हैं, तो ये सर्च कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सर्च हुआ है उससे पहले एक टैब कैरेक्टर लग जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर फाउंड, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट यहाँ क्योंकि हम एक एग्जांपल देख रहे हैं तो इसलिए फाउंड ज़रूरी है। तो जो भी सर्च हुआ है वो हम डिनोट करेंगे यहाँ डॉलर ज़ीरो से, और जो भी सर्च हुआ है उससे पहले हमें लगाना है एक टैब कैरेक्टर, ठीक। और हम करेंगे चेंज ऑल, और ये आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। तो दोस्तों ये था एग्जांपल वाइल्ड कार्ड का, जिसका यूज़ ग्रैप में हर जगह होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं चाहूँगा आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपका जो ग्रैप पर पकड़ है वो बन जाए और आप किसी भी प्रकार के ग्रैप का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ग्रैप के बारे में थोड़ा और कुछ सीखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।